दुसरे फेरी मधील दुसरा सामना आपण बघू शकाल एकता स्पोर्ट्स घोटसई विपक्ष गावदे उतने या दोन टीम मध्ये उतने टीम ने टॉस जिंकलाय आणि प्रथम षटकक्षण स्वीकारलेला आहे आणि इन्व्हाइट केलंय एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमला फलंदाजीसाठी। अभिनंदन अंकरपाडा संघ दाखल झालेला आहे क्वार्टर फायनल मध्ये। चिंतामण अभिनंदन, खूप चांगला सामना पाहायला मिळाला तो म्हणजे दोन संघांमध्ये अंकरपाडा आणि आपटी बी शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना रंगला आणि तो सामना जिंकला अंकरपाडा या टीमने। प्रवीण आणि रुपेश ही जोडी आपण पाहतोय वीस मैदानावरती आहे एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमच्या माध्यमातून। दोन्ही संघांनी एक एक सामना जिंकलेला आहे आणि दाखल झालेले आहेत या दुसऱ्या फेरीमध्ये। दुसऱ्या फेरीमधील दुसरा सामना आहे तर अंकरपाडा टीमला विनंती असेल आपण कुठे जायचं नाहीये कारण की यापुढील सामना तुमचा असेल क्वार्टर फायनलचा। थँक यू सो मच डीजे मास्टर। या दरम्यान सन्माननीय हेमंत परळ साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आपल्या व्यासपीठावरती आपण बघू शकाल। सन्माननीय महेश दादा भोईर साहेब देखील उपस्थित आहेत। यावेळी चांगला चेंडू स्ट्रॉंग अपील करतायत, पंचांनी अपील फेटाळून लावलेली आहे। एक धाव मिळते अवांतरच्या स्वरूपात लेग बाईचा इशारा येतोय। धावसंख्या एक आहे धावफलकावरती आपण बघू शकाल एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची। क्रिकेटचा दैदीप्यमान सोहळा आपण अनुभवतोय या मैदानावरती। जॉर्डन हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय, गॅप शॉट सिलेक्शन, स्किलिंग शॉट, टेकिंग गॅप, चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार। तर पंचांना एक सूचना असेल, ड्रिंक्स ब्रेक नसल्याची देखील नोंद घ्यायची आहे कारण की चार षटकांचा सामना आहे, जर जास्तच आवश्यकता भासली तरच पाणी आतमध्ये येईल याची देखील नोंद घ्यायची आहे। धावसंख्या धावफलकावरती पाच धावा, रुपेशच्या बॅटमन हा चौकार येतो आहे, सुरेख टायमिंग आणि चेंडू जातो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येतो आहे रुपेशच्या बॅटमधून। बॅक टू बॅक दोन चौकार येत आहेत रुपेशच्या बॅट मधून। संघाचा एक अष्टपैली खेळाडू आहे उत्नेकर चषकामध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज ठरला होता रुपेश, तोच आपण पाहतो रुपेशला खूप चांगली बॅटिंग करताना। यावी सुरेख टायमिंग, अपिश अँड पनिश, लॉफ्टेड हिट आणि चेंडू जातो आहे लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर, सलगचा हा तिसरा चौकार मधून रुपेश ऑन फायर। धावसंख्या चार ने पुढे सरकेल, तेरा धावा धावफलकावरती। यावी स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केला, तो प्रयत्न फसलाय, डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय, बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क होत नाहीये, धावसंख्या स्थगित आहे। तेरा धावा धावफलकावरती, तेरा धावा धावफलकावरती आहेत या षटकातील, एक चेंडू शिल्लक आहे। पाहता क्षणी प्रेमात पडावं असं हे मैदान आणि पाहता क्षणी प्रेमात पडावं असे या ट्रॉफीज आपण पाहतोय। यावी अजून एक चांगला चेंडू, डॉट बॉलची समाप्ती होते आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची बिनबाद तेरा धावा धावफलकावरती। त्वरित शतकशील लावून घ्यायचा आहे
उतनी टीमला विनंती असेल चार षटकांसाठी आपल्याकडे फक्त 20 मिनिटांचा वेळ आहे डीजे। नवीन गोलंदाज गणेश येतोय या दुसऱ्या षटकामध्ये। चार षटकांचा सामना आहे। पहिल्या षटकामध्ये 13 धाव बनवल्यात घोटसई या टीमने। गावदेवी उतने विपक्ष एकता स्पोर्ट्स घोटसई हा सामना सुरू आहे या मैदानावरती। बिग फाइट मॅच धावसंख्या आहे धावफलकावरती 13। यावी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय। क्षेत्रक्षक आहे चेंडू पट नोमेसलँड झोन मध्ये। एक धाव तर कंप्लीट केला आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल। 15 धावा धावफलकावरती खूप चांगली सुरुवात केली आहे। 15 धावांची पार्टनरशिप बनवली आहे एकता स्पोर्ट्स घोटसई टीमच्या या दोन सलामीच्या फलंदाजांनी। प्रवीण आणि रुपेशी जोडी आपण पाहतोय। अपीश खेळत आहेत झेलची शक्यता असेल झेल ड्रॉप करतायत आणि दुसरे धाव देखील पूर्ण होते। खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय। कॅचेस विन द मॅचेस पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ। परंतु चूक केलीये या मैदानावरती आपण पाहतोय। क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या उतने टीमने एक सोप्पा झेल सोडलाय। धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल। 17 धावा धावफलकावरती। उद्या आणि परवा प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असेल कारण की उद्याच्या दिवसामध्ये 8 बलाढ्य संघ इन ऍक्शन मध्ये असतील। भिवंडी तालुक्यातील डोंबिवली विभागातील 8 संघ इन ऍक्शन मध्ये असतील। यावीस हा पंपूल करताय जेलची शक्यता आणि सुरेख जेल टिपला मिड ऑनला। पहिला मोठा धक्का बसतोय एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमला। सलामीचा फलंदाज प्रवीण बॅक टू द पवेलियन। उद्या नक्कीच 8 संघ इन ऍक्शन मध्ये असतील। पिंपलगर विपक्ष पोगाव पहिला सामना असेल। दुसरा सामना असेल गावदेवी कोपर विपक्ष जयनुमान बेतवडे। तिसरा सामना असेल स्वर्गीय अर्जुन 11 जयनुमान डायगर विपक्ष नक्षत्रा एंटरप्राइजेस सौदरपाडा। यावी सुरेख टायमिंग आपण बातुस्को विकेट केल्यात एक धाव तर कंप्लीट। दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि शेवटचा सामना असेल कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे विपक्ष जय बजरंग गोरसई ए। हे 8 संघ आहेत उद्याच्या दिवसामध्ये। उद्या देखील प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असेल आणि शेवटच्या दिवशी देखील बलाढ्य 8 संघ आहेत। धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 19 धावा। रुपेश आणि राजू ही जोडी आपण पाहतोय या 20 मैदानावरती आहे। या 20 हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडू ट्रॅव्हल होतोय स्क्वेअर लीग मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लीग क्षेत्ररक्षक आहेत। एकच 10 मिनिट या चेंडूवरती मोठी फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे एकता स्पोर्ट्स घोटसई संघाच्या फलंदाजांना कारण की गोलंदाजी ही खूप चांगली करतोय गणेश गोलंदाज। 5 चेंडूंमध्ये 7 धावा खर्च करतोय। एक सफलता प्राप्त केली आपल्या टीमसाठी। संघाची धावसंख्या आहे 20। 41 धावा डिफेंड केलेत याच मैदानावरती याआधीच्या सामन्यामध्ये अंकरपाडा टीमने आणि तो संघ दाखल झालाय क्वार्टर फायनलमध्ये।
धाव संख्या धाव फलका वरती आपण पाहू शकाल 20 धावा या 20 चांगला चेंडू आपण पाहतो बॅट कटचा इशारा येतोय पंचांचा आणि तेच ते दर्शवत आहेत की इनसाइड एज लागलेली आहे एक धाव मिळते चेंडूवरती आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 21 धावा 10.50 सरासरीने 21 धावा धावफलकावरती आहेत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या गोटसे या टीमचे डीजे दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा धावफलकावरती आहेत चार षटकांचा सामना आहे अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आपल्या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकाल महाराष्ट्र बैलगाडा शर्यत चौकीन आणि बिंजोड छकडेवाले सन्माननीय महेश दादा भोईर साहेब देखील उपस्थित आहेत आणि ते देखील हा सामना एन्जॉय करतायत 21 धावा धावफलकावरती यावी सुरेटामी लॉफ्टेडीट क्षेत्ररक्षक आहेत अप्रतिम आउटस्टँडिंग मॅग्निफिसेंट क्षेत्ररक्षण आपल्या टीम साठी दोन धाव वाचवलेत धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल 23 धावा धावफलकावरती 23 धावा धावफलकावरती आहे षटक क्रमांक आपण पाहतोय या 20 तिसरा मार्गस्थ आहे गोलंदाज अर्पित ज्या अर्पितने खूप चांगली गोलंदाजी केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये तोच अर्पित आहे नक्कीच महेश दादा भोईर यांचे खूप मोठे समर्थक आहेत सुनील भोईर त्यानंतर राज भोईर देखील खूप मोठे बैलगाडा शर्यत शौकीन आहेत 23 धावा धावफलकावरती धावसंख्या आहेत 23 धावा जास्त वेळ घेऊ नका विनंती असेल उतनी टीमला या 20 लॉफ्टेडीट सरळ बॅटने इकडे समोर आणि चेंडू जातो लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर वन बाउन्स ओवर द लाईन चौकार डीजे मास्टर अप्रतिम संगीत आपण पाहतोय नक्कीच आमचे महेश दादा भोईर देखील बिंजोड छकडेवाले आहेत धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल चारने पुढे सरकेल 27 धावा धावफलकावरती अप्रतिम कॉन्टेस्ट आपण पाहतोय अस्तित्वाची लढाई आहे या दोन टीम मध्ये यावी चांगला चेंडू आपण पाहतोय स्ट्रॉंग अपील केली होती पंचांनी वाईट चेंडू घोषित केलेला आहे धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 28 धावा धावफलकावरती आहेत षटक क्रमांक आपण पाहतोय तिसरा मार्गस्थ आहे भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय स्वर्गीय रोहितभाई भोईर आणि स्वर्गीय अनिकेत पाटील स्मृती चिषेकाच हे भव्य दिव्य आयोजन या दोन मान्यवरांना एक भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली जाते स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केला होता प्रयत्न फसलाय डॉट बॉलची समाप्ती होते धावसंख्या स्थगित आहे धावफलकावरती आपण बघू शकाल 28 धावा पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय ते म्हणजेच उतने टीमने या 20 घोटसई या संघाला 44-45 धावा बनवावे लागतील हा एक चांगली फाईट करण्यासाठी या 20 खूप चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्रक्ष आहे आणि दोन धावा कंप्लीट
गुड रनिंग बिटवीन द विकेट धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल 30 धावा धावफलकावरती नक्कीच आपले सोबत प्रदीप भोईर देखील आहेत आणि प्रदीप भोईर कडे पाहिलं तर आपले सर्वांचे लाडके आगरी कोळी कॉमेडी किंग विनायक माळी यांची आठवण होते धावसंख्या आहे धावफलकावरती 30 धावा यावी चांगला चेंडू आपण पाहतोय सुरे गोलंदाजी डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय एक चेंडू अजून शिल्लक आहे 30 धावा धावफलकावरती कारण की कधीपासून आपण पाहतोय समोरच्या कक्षामध्ये हास्याचं वातावरण आहे आणि त्याचं कारण एकच आहे प्रदीप भोईर यावी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय आणि चेंडू जातोय स्वीपर कवर सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34 धावा धावफलकावरती चौतीस धावा धावफलकावरती आहेत गोलंदाज सज्ज होतो दीपक यावीस पहिला चेंडू अप्रतिम हाताळतोय गोलंदाज दीपक टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय डॉट बॉलची समाप्ती होती धावसंख्या स्थगित आहे धावफलकावरती आपण बघू शकाल 34 34 धावा धावफलकावरती स्ट्राईक इनला फलंदाज रुपेश आहे रुपेश आणि राजू ही जोडी आपण पाहतोय हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय सुरेख टायमिंग आणि चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेच्या बाहेर दणदणीत कणकणीत चौकार धावसंख्या 38 धावा धावफलकावरती आहेत 38 34 धाव बनवले तर पहिल्या 3 षटकांमध्ये पहिल्या चेंडू डॉट त्यानंतर हा चौकार आलाय फलंदाज आपण पाहतोय 20 रुपयेच्या बॅट मधून खूप चांगली फटकेबाजी होती आतापर्यंत 4 चौकार आलेत रुपयेच्या बॅट मधून ओवर द विकेट दीपक या 20 ऑन साइड चेंडू येतोय डीप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत एकच धाव मिळते चेंडूवरती आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 39 39 धावा धावफलकावरती आहेत षटकातील 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत अनकरपाडा संघ दाखल झालेला आहे क्वार्टर फायनल मध्ये बघे त्यांच्या समोर कोणता संघ येईल क्वार्टर फायनल खेळण्यासाठी उतने की घोटसई हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे सामना स्पीडअप करायचा आहे विनंती असेल उतने टीमला जास्त वेळ आपण घेऊ नका कारण की वेळ ही कोणासाठीच थांबत नसते वेळेची किंमत वर्तमानपत्राला विचारा सकाळी 4 रुपयांनी मिळतो आणि तोच वर्तमानपत्र संध्याकाळी 4 रुपये किलोने विकला जातो सांगायचं तात्पर्य एवढंच की जिंदगी मौके कम और धोके ज्यादा देती है 3 चेंडू शिल्लक यावी चांगला चेंडू इन स्विंगिंग यॉर्करचा वापर करतोय गोलंदाज दीपक अंतिम षटकामध्ये इम्प्रेस करतोय प्रभावित करतोय एक चौकार आलाय परंतु एका चौकाराचा अपवाद वगळता अप्रतिम गोलंदाजी करतोय आपल्या टीमसाठी संघाची धावसंख्या आहे 39 या आकड्यावरती आणि 2 चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या षटकातील
हाफ ट्रैकर हुक करतोय आणि चेंडू जाईल लॉन्ग लेग सी मारिशीच्या बाहेर चौकार सो मच अप्रतिम संगीत आपण पाहतोय डीजे मास्टर आशु डीजे मास्टर स्वप्निल भोईर धाव संख्या 43 धावा धावपळ कवरती अंतिम षटकातील अंतिम चेंडू व्यवस्थित बॅट वरती येत नाही एक धाव तर कंप्लीट केली दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते बघा तिसरी धाव पूर्ण होईल का आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण होते गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि पहिल्या चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 46 धावा आणि 47 धावांचं लक्ष ठेवलंय एकता स्पोर्ट्स घोटसई या संघाने गावदेवी उतने या संघासमोर 24 चेंडू आणि 47 धावांचं लक्ष असेल मास्टर तर एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमने 46 धाव बनवल्यात आणि 47 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे ते म्हणजेच गावदेवी उतने या संघासमोर 24 चेंडू आणि 47 धावांचं आव्हान आहे आणि 47 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय माझे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ अंबरनाथचा एक बुलंद आवाज आणि पालेगावचे एक अप्रतिम समालोचक सोनू बांगर यांना तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रोशन संते चलते मैदान के ऊपर सभी दर्शकों का फिर से एक बार इस प्रतियोगिता हम सर से स्वागत करना चाहेंगे बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं रोहित भाई भोईर और स्वर्गीय अनिकेत पांडे स्मृति चषक 2021 का पर्व आप एंजॉय कर रहे हैं चलते हैं मैदान के ऊपर बहुत ही बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर शुरू होने जा रहा है एकता स्पोर्ट घोटसई से विपक्ष उनको फाइट दे रही टीम उतने बल्लेबाजी करते हुए एकता स्पोर्ट घोटसई टीम ने बनाए 46 रन दो विकेट के नुकसान पर 47 रन का टारगेट लेकर सलामी बल्लेबाज यहां पर मैदान के ऊपर आते हुए उतने टीम की सलामी जोड़ी जॉर्डन और
गणेश आते हुए मैदान के ऊपर। कमेंटरी बॉक्स में यहाँ पर जो बार बार खिलाड़ी है उनको थोड़ी सी सुस्ती आते भी, लेकिन आपकी सुस्ती भी हम दूर करेंगे हमारे डीजे मास्टर की ओर से। डीजे मास्टर यहाँ पर हिंदी संगीत आप सुनाए देंगे आप डीजे मास्टर की ओर से। चलते हैं मैदान के ऊपर, सलामी बल्लेबाज आते हुए साइकिल के ऊपर जॉर्डन होंगे, एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज। उसी तरह भी यहाँ पर गणेश और पहली ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए दिनेश के हाथ में पहली गेंद, पहली ओवर यहाँ पर सौंपी गई है दिनेश के हाथ में। 11.75 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे मैदान के ऊपर। बहुत ही बड़ा मुकाबला, कौन जाएगा क्वार्टर फाइनल में, अंकरपाड़ा टीम के सामने कौन फाइट करेगा। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, पहली गेंद यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आउट भी थोड़ी सी स्लो होती भी और बिल्कुल खिलाड़ी पहुंचेंगे गेंद को रोकेंगे। तब तक दो रन मुकम्मल किए, तीसरे रन की कोशिश और यहाँ पर तीसरा रन भी मुकम्मल किया जाएगा। पहली गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट लगाया था बल्लेबाज जॉर्डन ने और टीम का अंदेज ही खाता ओपन करते हुए पहली गेंद के ऊपर तीन रन अपने टीम के लिए बटोरते हुए बल्लेबाज जॉर्डन। बहुत ही बड़ा मुकाबला, पावर प्ले का ओवर शुरू है, दो खिलाड़ी तीस गेंद के बाहर आपको दिखाई देंगे, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी अब मौजूद। ओवर द विकेट फुल टॉस गेम और यहां पर अंपायर का इशारा था बीमर बॉल, नो बॉल का इशारा था वहां और गेंद जाएगी सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। इस बार बल्लेबाज गणेश के बल्ले से निकलता वहां, यह पहला शानदार छक्का। इस गेंद को देखा अंपायर ने और अंपायर की यहां पर इशारा था वहां बिल्कुल नो बॉल का, अतिरिक्त रन मिलते हुए 7 रन मिल चुके इस गेंद के ऊपर। ओवर द विकेट इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद जाते भी सीधा ऑप्शन से विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुके भी डॉट बॉल की समाप्ति होते भी। टीम का स्कोर बनेगा यहां पर एक छक्के की मदद से 10 रन बन चुके, 3 गेंदे फेंकी चुके और यहां पर 10 रन पहले यहां पर लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर के पिछले एक बार तैयार दिनेश, अगली गेंद इस बार अच्छा स्ट्रोक, वहां पर शॉट मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज गणेश। टीम का स्कोर बनता था 11 रन अब बन चुके, 11 रन 11.75 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे जीत के लिए मैदान के ऊपर उतने टीम के बल्लेबाज को। साइक रोटरी भी साइकिल के ऊपर आते हुए बल्लेबाज जिन्हें पहले गेंद के ऊपर 3 रन बनाए अपने टीम के लिए। जॉर्डन तैयार, इस बार पढ़ने के बाद गेंद कवर से काटा बदलते भी, पढ़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आते भी गेंद, अंपायर हमारे दर्शाते हुए बिल्कुल अंदर आई गेंद और बल्लेबाज को चकमा देते भी डॉट बॉल की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर बनेगा यहाँ पर रुकावा 11 रन के ऊपर, टीम अब तक उतनी टीम खेल रही है। अभी भी इस ओवर की गेंदें शेष होंगी, बिल्कुल 5 गेंदें पे की है, 4 गेंदें पे की है, आखिर की 2 गेंदें अभी भी शेष होंगी। गेंदबाज तैयार दिनेश, इस बार सामने की तरफ खेलना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन शॉट मिड ऑफ पे गलती हुई और गेंद जाते भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर दिखाते हुए फील्डर वहां पर मौजूद थे, ऑरेंज कैप पहने भी खिलाड़ी वहां पर थे लॉन्ग ऑन में थे लेकिन लॉन्ग ऑफ आते हुए गेंद को उठाएंगे दर्शन वहां पर थे, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए और टीम का स्कोर बनेगा इसी 1 रन की मदद से 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। आखिरी गेंद इस ओवर की आप शेष होगी, अच्छी बल्लेबाजी अच्छी रणनीति यहाँ पर पहली ओवर में उतनी टीम के बल्लेबाजों की ओर से, एक तरफ पे जॉर्डन तो दूसरी तरफ पे गणेश, अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की ओर से। गेंदबाज तैयार, इस बार सामने की तरफ खेलना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन गेंद नो मैच लॉन लैंड जोन में गिरते भी, गेंद को जब तक उठाएंगे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तब तक आखिर की गेंद के ऊपर मिलेंगे 2 रन। ओवर नंबर फर्स्ट गॉन, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम को बनाने कुल मिला के 47 रन और बल्लेबाजी करते हुए सेकंड सत्र में यहां पर उतने टीम ने गणेश और जॉर्डन की मदद से बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर में 14 रन बटोरे। सचिन झुंझाराव यांचं देखील शुभागमन होते व्यासपीठावरती, त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करू आणि त्यानंतर सन्माननीय बालरामजी टेंबे साहेब उपस्थित झाले, त्यांच्याकडनं आम्हाला लाईटची व्यवस्था मिळाली आहे, त्यांचं देखील व्यासपीठावरती शुभ सन्मान केला जाईल। महेश दादा भोईर यांना विनंती करू की आपल्या शुभ असते हा शुभ सन्मान आपण करावा, बालारामजी टेंबे साहेबांचा शुभ सन्मान करतील। आमचे महेश दादा भोईर यांना विनंती करेल बालारामजी टेंबे साहेबांचा शुभ सन्मान आपण व्यासपीठावरती करावा।
टीम ओमी कोलाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल समर्थक है वो हमारे बालाराम जी टेम्बे साहब, उनका भी यहाँ पर शुभागमन होता बा बिल्कुल माझे आमदार भी रह चुके हैं अशोते मैदान के ऊपर। अब यहाँ पर 11 रन बन चुके, पहले ओवर का खेल समाप्त होते ओवर टीम का स्कोर मतलब 14 रन बन चुके। गेंदबाज तैयार अगले ओवर के दर्शन, इस बार यहाँ पर दिशा से थोड़े से बटके लक्ष्य के बाहर जाते भी गेंद, अंपायर हमारे सुभाष पाटिल इनका इशारा था फाइट का, टीम का स्कोर बनेगा इसी अतिरिक्त रन से 15 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 18 गेंदे यहाँ पर शेष होंगी जीत के लिए, अभी भी रन ओवर गेंदों का फैसला, 18 गेंदों और जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता अभी होगी। गेंदबाज तैयार, जॉर्डन के लिए गेंद थी उठा करके लेने की कोशिश की, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और अच्छा कैच लपका, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा पवेलियन में और पहला झटका लगता था बल्लेबाजी करते हुए उतनी टीम को, यहां पर पहला झटका जॉर्डन बैक टू द डगआउट। क्या बात है, मराठी की एक अच्छी धुन सुनाते हुए हमारे डीजे मास्टर आशु चलते हैं मैदान के ऊपर। बल्लेबाज के पारी का अंत, यहाँ पर जॉर्डन लौट चुके नए बल्लेबाज, तीसरे नंबर के पायदान पे आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय आते हुए मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर रुकामा 15 की, यहाँ पर 15 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज तैयार दर्शन फिर से एक बार, इस बार अच्छा शॉट सामने की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात और एक कैच लपका गया और बिल्कुल लौटना पड़ेगा सलामी बल्लेबाज, यहाँ पर गणेश को भी लौटना पड़ेगा और एक झटका लगेगा बल्लेबाजी करते हुए उतने टीम को। टीज है बात है, बल्लेबाज को लौटना पड़ा यहाँ पर सलामी बल्लेबाज, जॉर्डन आउट हुए इसके बाद में गणेश भी आउट हो चुके, अब नए दो नए बल्लेबाज अक्षय तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आते हुए सैंडी आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। टीम का स्कोर रुका हुआ अभी भी यहाँ पर 15 की ओर, स्कोर कार्ड पे ऊपर 15 रन जम चुके हैट्रिक के, यहाँ पर हैट्रिक के ऊपर आते हुए गेंदबाज यहाँ पर दर्शन आते हुए फिर से एक बार हैट्रिक बॉल और विकेट, इस बार अड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेंगे मिड विकेट की ओर, जब तक इनको उठाएंगे फेंकेंगे मिलेगा महज एक रन, टीम का स्कोर बनेगा 16 रन बन चुके। अभी भी जीत के लिए यहां पर 31 रन की आवश्यकता होगी जीतने के लिए उतने टीम को। शुरुआत थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी हुई, पहले ओवर में यहाँ पर 14 रन बनाए, उसके बाद में दर्शन ने अगले ओवर के आए लेकिन तीन गेंदे पे की और रन खर्च किए, सिर्फ 2 रन अब खर्च कर चुके, सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब की बार अच्छी गेंद यहाँ पर फेंकी गई बिल्कुल ऑप्शन सीधी जाते भी विकेट के ऊपर दस्तानों में और एक डॉट बॉल की समाप्ति होते हुए। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज वहां पर दिखाई दे रहे हैं सैंडी, नौ सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे अक्षय। अच्छी पारी यहाँ पर खेलनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को, पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, बड़े शॉट भी खेलने पड़ेंगे क्योंकि टीम की जरूरत है बड़े शॉट की और पार्टनरशिप की, रन बटोरने पड़ेंगे अपनी टीम के लिए अक्षय और सैंडी को। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर, इच्छा खबर है कोई खिलाड़ी नहीं है, जब तक पहुंचेंगे गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, गेंद उनको चीरती भी जाते भी इच्छा खबर बाउंड्री के बाहर और इस बार सैंडी के बल्ले से आता बा ये पहला शानदार चौका। से
गए। पांचवी गेंद के ऊपर आता है चौवा बल्लेबाज यहाँ पर सांडी के बल्ले से निकलता पहला चौका। टीम का स्कोर बनेगा बिल्कुल 20 रन। मैंने पहले कहा दोस्तों सांडी और यहाँ पर अक्षय को अब अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलनी पड़ेगी, पार्टनरशिप बनानी है, बड़े शॉट भी खेलने, सिंगल डबल भी बटोरने पड़ेंगे अपनी टीम के लिए। रनों की अतिशय आवश्यकता होगी यहाँ पर मुकाबला जीतने के लिए उतने टीम को। टीम का स्कोर बनता है 20 रन। अभी भी यहाँ पर 27 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर दर्शन तैयार होते हैं फिर से एक बार राइट आर्म और द विकेट से सामने की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आएगी मिड विकेट की ओर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उठाएंगे फेंकेंगे, दूसरे रन की कोशिश की लेकिन वहां पर दूसरे रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। ओवर नंबर दूसरा भी समाप्त होता हुआ, दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर बनेगा। दो ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाज करते हुए उठने टीम ने यहाँ पर बनाए है बिल्कुल दो विकेट कमाई, उसके बाद में रन बन चुके 22 रन। अब जीत के लिए आने वाली 12 गेंदे और बनाने पड़ेंगे मैदान के ऊपर 25 रन की आवश्यकता होगी जीत के लिए उतने टीम को। डीज है रन लग चुके 22 रन बन चुके जीत के लिए 12 गेंदे और 25 रन की अभी भी आवश्यकता होगी। मुकाबला दोस्तों अभी बैलेंस है, कौन मुकाबला जीतेगा? यदि इस ओवर में ज्यादा रन खर्च करते गेंदबाज तो मुकाबला यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल बल्लेबाज करते हुए उतने टीम के पक्ष में जाएगा। और अगर इस ओवर में कम रन खर्च करते तो मुकाबला आखिरी ओवर में मजबूत बन जाएगा, बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए एकता स्पोर्ट गुरसे टीम के पक्ष में जाएगा। मुकाबला आप भी बैलेंस दोस्तों, दोनों ताकतवर टीम के बीच में चलता है घमासान युद्ध आप देख रहे हैं। मुकाबला कौन जीतेगा, क्वार्टर फाइनल में कौन प्रवेश करेगा, अनकरपरा टीम के सामने कौन सा टीम यहां पर बिल्कुल खेलेगी, कौन सी टीम यहां पर खेलेगी, फाइट कौन करेगा अनकरपरा टीम के सामने। 12 गेंदे जीत के लिए 25 रन की अब आवश्यकता होगी। आने वाले नए गेंदबाज यहां पर तीसरे ओवर में आते हुए गेंदबाज रूपेश, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे अक्षय, तीसरे नंबर पे आए बल्लेबाज करने अपनी टीम के लिए। एक तरफ सैंडी ने अच्छे बल्लेबाज की दो गेंदे के लिए और 6 रन अपनी टीम के लिए बनाए। अभी तक यहाँ पर 12 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता होगी। फील्डिंग सजाई जा रही है, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी, बैटिंग स्ट्रॉन्ग ऑन में खिलाड़ी, उसके बाद में स्पेयर लेग में खिलाड़ी होगा बिल्कुल, और फाइनल की दिशा में भी एक खिलाड़ी, उसके बाद में अब एक्स्ट्रा कवर, कवर की दिशा में भी एक खिलाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। पांच फील्डर यहाँ पर 30 गज करके बाहर दिखाई देंगे। गेंदबाज तैयार अगले ओवर लेके यहाँ पर रूपेश तैयार होते हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार गेंद जाएगी सीधा बिल्कुल लक्ष्य के ऊपर से जाते भी अंपायर का किसी प्रकार का इशारा नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। बच्चे भी 11 गेंदे और जीप के लिए आप 25 रन की आवश्यकता। स्पीड अप कीजिए मुकाबले को थोड़ा सा फास्ट के लिए, अंपायर से मैं गुंजाइश करना चाहूंगा, खिलाड़ी को सख्त ताकीद दीजिए बिल्कुल मुकाबला स्पीड अप करने के लिए कहिए। हमारे अंपायर वहां पर होंगे स्कोरलेक के अंपायर सुभाष पाटिल और मेन अंपायर हमारे निरंजन सावंत सर। चलते हैं मुकाबले की ओर, पहली गेंद डॉट, 11 गेंद और जीत के लिए आप समीकरण 25 रन की आवश्यकता होगी। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार रूपेश, इस बार पुरोलिंग की गेंद थी, इस बार ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन संतुष्ट होना पड़ेगा एक ही रन से अक्षय को। टीम का स्कोर बनेगा इसी एक रन की मदद से 23 रन बन चुके, अब जीत के 10 गेंदे और 24 रन की आवश्यकता होगी। यदि इस ओवर में एकाध दो छक्के आते, एकाध दो चौके आते हैं तो मुकाबले में फिर से एक बार मजबूती पाएंगे, मुकाबले में वापसी कर पाएंगे उतने टीम। अगर डॉट गेंदे आती है तो मुकाबला पूरी तरह से मजबूत हो सकता है, यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गुडसे टीम के पक्ष में जा सकता है। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार रूपेश और द विकेट, उल्टास गेंदी गेंद को पारक नहीं पाया लेकिन यहां पर एक रन बटोर लिया, दूसरे रन की कोशिश की और दूसरे रन और यहां पर बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा, बिल्कुल दूसरे रन की कोशिश की और आधे पे यहां पर बल्लेबाज की पारी का और एक झटका लगता है बल्लेबाजी करते हुए उतने टीम को। आप बनाने पड़ेंगे मैदान के ऊपर, आने वाली गेंदे होंगी 9 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनता है 23 रन की अब आवश्यकता होगी। डीज है
अच्छी धुन बजाते हुए और हमारे रोशन संत भी शाम का वक्त डर रहा है, बिल्कुल चाय का आनंद उठाते हुए हमारे यहाँ पर बिल्कुल मंच के ऊपर हमारे रोशन भी चाय पीते हुए। सुस्ती का माहौल है थोड़ा सा, शाम का वक्त है, लेकिन यहाँ पर अच्छी प्रतियोगिता, बिल्कुल सवेरे हम जब आते हैं तब नाश्ता खिला दिया जाता है, इडली और वड़ा आता है, उसके बाद में दोपहर का जब होता है तो बिल्कुल हमारे राजभर इनकी माँ की ओर से हमें अच्छा खाना परोसा जाता है, उसके बाद में दोपहर के टाइम हमें जूस भी पिलाया जाता है गन्ने का, और अब शाम का वक्त इसलिए सुस्ती आती हुई और चाय पिलाते हुए हमारे आयोजन करता। क्या प्रतियोगिता है दोस्तों, तारीफ करना चाहूंगा। इस बार क्लीन बॉल बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और एक झटका लगता है वहां उतने टीम को, यहां पर मुकाबला कठिन होता है उतने टीम की ओर से, अब मुकाबला चुक चुका है, थोड़ा सा मजबूत हो चुका है गुड से टीम के पक्ष में। डीजे क्या बात है, हमारे रोशन भोईर का है अच्छा गीत, मनपसंद गीत यहाँ पर लगाते हुए फिर से एक बार बल्लेबाज को लौटना पड़ा, चौथी गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए रुपेश, क्या उमदा गेंदबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था दोस्तों, यदि इस ओवर में कम रन खर्च करते तो मुकाबला पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा, गुड से टीम के पक्ष में जाएगा और आप मुकाबला तो सब कठिन होता हुआ बल्लेबाजी करते उतने टीम के लिए हम बनाने पड़ेंगे मैदान के ऊपर आने वाले 8 गेंदे और जीत के लिए कंपल्सरी 23 रन की आवश्यकता होगी। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी स्ट्रोक, बल्ले का मुकाबला और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन सिर्फ दर्शक की भूमिका निभाएंगे, गेंद जाती भी सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, यह शानदार छक्का बल्लेबाज की ओर से। वहां पर विघ्नेश से जैसे मैदान के ऊपर आए अपने इरादे स्पष्ट करते हुए छक्का लगाते हुए अपने टीम के लिए छक्का आया और टीम का स्कोर बन चुका है 30 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीत के लिए समीकरणों का बच्ची भी गेंद 7 और 17 रन की आवश्यकता, 17 का खतरा बीच मैदान के ऊपर मंडरा रहा, लेकिन किस टीम को यहाँ पर 17 का खतरा लगेगा, गुडसे टीम को या बल्लेबाजी करते हुए उतने टीम को। आखिरी गेंद क्या वापसी करेंगे, आखिरी गेंद के ऊपर गेंदबाज वहां पर रुपेश, अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 गेंद अच्छी पे की लेकिन 5वें गेंद के ऊपर छक्का 6 रन खर्च करते हुए बल्लेबाज फिर से एक बार गेंद के ऊपर, पहले गेंद के ऊपर छक्का आ गया अपने टीम के लिए, फिर से एक बार विघ्नेश तैयार होते हुए और गेंदबाजी में राउंड द विकेट से अब आएंगे रुपेश तैयार, फुल टॉस गेंद स्कोर ऑफ द विकेट, एक और अच्छा स्ट्रोक जो पहले 4 गेंदों में कमाया और पिछले 2 गेंद में कमाते हुए गेंदबाज और दूसरा छक्का आता बा, आप मुकाबले में दोस्तों पूरी तरह से जीवित हो चुके हैं, पिछले बार उतने टीम लगातार दूसरा छक्का बल्लेबाज विघ्नेश के बल्ले से 6 रन। सो मच अक्षय और विघ्नेश, दोनों ही भाई भाई मैदान के ऊपर, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखते हैं हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को, बिल्कुल वही यहाँ पर बल्लेबाज विघ्नेश और अक्षय, अक्षय के बल्ले से लेकिन ज्यादा रन नहीं आए, 2 रन आए सिर्फ, लेकिन विघ्नेश के आते हुए हार्दिक पांड्या की याद दिलाते हुए मैदान के ऊपर, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में भी हार्दिक पांड्या निचले क्रम में आते और क्या बल्लेबाजी करते हैं, वैसे बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदे और 2 छक्के लगाए, अब टीम का स्कोर बनेगा 36 रन और जीत के लिए चाहिए आप 6 गेंदे और सिर्फ 11 रन की आवश्यकता, कौन सा आखिरी गेंदबाज होगा जिसके ऊपर भरोसा दागा होगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसला बुलंद रखना पड़ेगा गेंदबाज को, यहाँ पर उदय को हौसला बुलंद रखना पड़ेगा और इसी हौसले की मदद से अच्छी गेंद अपनी टीम के लिए फेंकनी पड़ेगी। गेंदबाज तैयार और सा गेंद के ऊपर बल्लेबाज अक्षय,
पहली गेंद यहां पर ऑन साइड में लॉक करना चाहते थे, लेकिन गेंद निकल चुकी है बैट और पैड के बीच में से, डॉट बॉल की समाप्ति। अगर यदि आखिरी की आने वाली इससे दो गेंद यहां पर डॉट जाती है तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर होगा। पांच गेंदे अब जीत के लिए समीकरण बदल चुका है, 11 रन की आवश्यकता होगी। मुकाबला कर बटे बदलता हुआ दोस्तों, रामते खड़े करने वाला मुकाबला मैदान के ऊपर, आप आएगा क्या देखने के लिए, मिलेगा क्या? पांच गेंदे और 11 रन की आवश्यकता, गेंदबाज उदय तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद यहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उसे पहुंच से बाहर, सीधा 6 रन, क्या बल्लेबाजी। अब मुकाबला खुला हो चुका है दोस्तों, अब जीत के लिए बनाने पड़ेंगे 4 गेंदे और 5 रन की आवश्यकता, 6 रन। देखकर खरबूजा रंग बदलने लगा, यानी कि बल्लेबाज यहां पर बिकने से दो छक्के दागे, उसके बाद में उसके भाई ने अक्षय ने एक छक्का लगाया। अब 5 रन की आवश्यकता। ऑन साइड में इस गेंद को खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बहुत ही बड़ा गैप है उसमें, जब तक उठाएंगे फेंकेंगे, दूसरे रन की कोशिश की, क्या दूसरा रन मुकम्मल कर पाएंगे? यस, दूसरा रन मुकम्मल किया, अब जीत का फासला होगा। बच्ची भी गेंद यहां पर 3 और जीत के लिए भी बनाने पड़ेंगे 3 रन की आवश्यकता। टीम का स्कोर बनता था कुल मिला के यहां पर 44 यानी कि 44 रन बन चुके हैं। अब जीत के लिए यहां पर बनाने पड़ेंगे 3 रन की आवश्यकता, बच्ची भी गेंद 3 और 3 रन की आवश्यकता। मुकाबला पूरी तरह से अब खुला हो चुका है, मुकाबला पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए उतने टीम के पक्ष में मुकाबला जा रहा है। और द विकेट इस बार खेलने की कोशिश की, बैक खेलने की दिशा में, लेकिन ये गेंद जाएगी डॉट, मुकाबला आप भी जीवित है। इस मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल गोडसे टीम भी यहां पर अब भी जीवित है, अब गेंदे होगी 2 और जीत के लिए बनाने पड़ेंगे 3 रन। प्रेशर आइस क्रिकेट आपको आप देखने के लिए मिलेगा, गेंदबाज के ऊपर दबाव और बल्लेबाज के ऊपर भी दबाव होगा। यदि आने वाली गेंद यहां पर डॉट जाती है और सिंगल आता है तो बिल्कुल मुकाबला एक गेंद पे यहां पर रोमांचक हो सकता है। गेंदबाज तैयार उदय, ऑन साइड में इस गेंद को खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कैच से पकड़ना चाहते थे लेकिन वेट एंड वॉच क्रिकेट, गेंद को देखते रहे, उठाएंगे फेंकेंगे, 2 रन मुकम्मल किए, 3 रन की कोशिश, और 3 रन की कोशिश करते हुए बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। लेकिन अब गेंदे होंगी यहां पर आखिरी की एक गेंद और जीत के लिए बनाने पड़ेंगे कंपल्सरी 1 रन बनाना पड़ेगा। दिस है डीजे आशु यहाँ पर अच्छी धुन बजाते हुए मुकाबला भी उतना बड़ा रोमांचक होता था। मैंने पहले कहा था दोस्तों मुकाबला रोमते खड़े करने वाला होगा और यहाँ पर आप रोमते खड़े हो चुके बल्लेबाजी करते हुए उत्तर टीम के समर्थकों के और बिल्कुल यहाँ पर कोटसे टीम के समर्थकों के, बिल्कुल एक गेंद आप जीत के लिए चाहिए 1 रन की कंपल्सरी आवश्यकता। यानी कि इस गेंद के ऊपर जीत अगर हासिल करनी है यहाँ पर उत्तर टीम को तो 1 रन बनाना ही पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया मुकाबला दोस्तों, यहाँ पर सबकी निगाहें मुकाबले की ओर आप देख रहे हैं। अब मुकाबला कौन जीतेगा, कौन जाएगा यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में, अंकरपना टीम के सामने कौन सी टीम यहाँ पर फाइट करेगी, क्या जीत का जश्न मना पाएगी इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए उतने टीम, क्या जीत का जश्न मनाएगी यहाँ पर भैया पर गेंदबाजी करते हुए गोडसे टीम। बहुत ही बड़ा मुकाबला, एक गेंद और 1 रन की आवश्यकता। हमारे महेश बोर भी यहाँ पर काफी करीबी से इस मुकाबले को देख रहे, हमारे रोशन संत भी इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए, हमारे अंपायर मुन्ना पठान भी देखते हुए और हमारे अनिल मात्रे भी यहाँ पर मुकाबले को देखते हुए दोनों टीम को शुभकामनाएं देते हुए फिर से एक बार हमारी कॉमेंट्री बॉक्स ओर से प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दबाव वहां पर गेंदबाज के ऊपर और बल्लेबाज के ऊपर जिन्होंने 2 छक्के दागे और यहाँ पर जीत की दरकार रखी थी, लेकिन आप जीत दिला पाएंगे क्या अपने टीम को? विघ्नेश जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए दोस्तों, एक गेंद और 1 रन की आवश्यकता।
इस बार डिफेंस क्रिकेट और मुकाबला जीता, बल्लेबाजी करते उत्तर टीम ने, क्या शानदार जानदार मुकाबला। और लौटना पड़ेगा इस मैदान से, प्रतियोगिता से बाहर गुड से टीम को। डीजे सेकंड ग्राम आणि मॅन ऑफ द मॅच चा अवॉर्ड या ठिकाणी जाईल